नमस्कार, तारात्रा बोझ यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप महाराष्ट्र राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि घरों से बाहर नहीं निकले। उसी बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है और योगी सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय दरगाह के अंदर पहुंचे और नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते आप 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे की सरकार और पुलिस प्रशासन के एक्शन लेने के बाद पूरी तरह से वहां से खदेड़ दिया गया और बड़ी कार्रवाई भी की गई, जिसका लगातार वीडियो भी सामने आ रहा है महाराष्ट्र राज्य से। तो दूसरी तरफ लखनऊ की मस्जिद के अंदर भी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती। तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु लगातार उनसे विनती भी कर रहे हैं कि आप घरों में बैठकर ही नमाज को अदा करें, लेकिन लोग इसे नहीं मान रहे और लॉकडाउन को भंग भी कर रहे। वहीं लॉकडाउन को लेकर नेताओं ने बड़ी अपील भी की जा रही है और दिग्गज नेता ये भी बयान दे रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन की ओर नहीं मान रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के उद्धव सरकार और उद्धव की पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई की और वहां से जल्दी वहां से नमाज अदा करने वाले सभी मुस्लिम बंधुओं को हटा दिया गया, जो सबसे बड़ी कार्रवाई भी की जा रही। वहीं अब सख्ती भी बरती जा रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो दूसरी तरफ यूपी राज्य के लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ का भी डंडा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली के अंदर भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार एक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले सीए और एनपीआर को लेकर जो शाहीन बाग के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा था उस पर भी केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक्शन लिया गया, जो लगातार 3 महीनों से चल रहे शाहीन बाग के अंदर धरने प्रदर्शन को खत्म भी कर दिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार लोग इकट्ठे हुए थे एक साथ नमाज अदा करने के लिए और कोरोना के चलते सरकार ने चेतावनी भी जारी कर रखी है कि आप एक साथ 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये देश के लिए बड़ा खतरा महसूस भी किया जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल तक पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते आप घरों से बाहर ना निकले और अपनी सेफ्टी का ध्यान भी रखें। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर आप पिछले इन 21 दिनों के अंदर अगर अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो भारत देश आगे और भी मजबूत होगा, और अगर आप इन 21 दिनों के अंदर नहीं संभले तो फिर भारत 50 साल पीछे चला जाएगा। वहीं लखनऊ और महाराष्ट्र के अंदर लोग लॉकडाउन को न मानते हुए दिखाई दे रहे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे और योगी की पुलिस सख्ताई से बड़ा एक्शन और कार्रवाई भी कर रही है, जिसका वीडियो भी बड़ा सामने आ रहा है। और शाहीन बाग के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शाहीन बाग के अंदर वो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे भारत देश के अंदर 15 अप्रैल तक, इसके चलते शाहीन बाग को सुबह के समय जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस ने ख़त्म करवा दिया है। और उनका कहना है कि हम उनको खाली कर ही रहे थे ताकि वहां से पूरे के पूरे हटा दिए जाए, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे और शाहीन बाग के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका भी दे दिया, जिसके चलते दूसरी तरफ शाहीन बाग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट के लोगों को हिदायत भी दी कि अगर सीए और एनपीआर को लेकर अगर फिर से कोई विरोध प्रदर्शन किया गया शाहीन बाग के अंदर तो उनके लिए कड़े एक्शन भी उठाए जाएंगे। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 दिनों से जिस प्रकार सियासी हलचल चल रही थी कि सरकार कमलनाथ की गिराई जाएगी और आखिरकार में सरकार को बड़ा झटका भी दे दिया गया, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ खुद ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा पार्टी के अंदर 23 विधायक ही शामिल हो गए, जिसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने 112 सीटों के बहुमत हासिल कर पहले ही विधानसभा फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद बड़े अच्छे मूड में नजर भी आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो ग्वालियर राजघराने को जमीन के लेकर
फाइल लगाई गई थी उस पर भी उन्होंने फाइल को बंद कर दिया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की कलेक्टर नीति को भी सस्पेंड कर दिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य मध्य प्रदेश के अंदर भी हलचल वही देखने को मिल रही है और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ऑपरेशन अरुणा नामक चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में, और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दिया जाएगा, क्योंकि गुजरात राज्य के अंदर भी 4 MLA कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद में कांग्रेस काफी बड़ा झटका लगने की तैयारी में थी। तो दूसरी तरफ लॉकडाउन पूरे भारत के अंदर लगने पर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने पीएम मोदी का समर्थन और सपोर्ट भी किया कि पीएम मोदी के द्वारा जिस स्थिति को देखकर लॉकडाउन लगाया गया वो भारत देश के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उभरने के लिए पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन और इमरजेंसी भी लगनी चाहिए अगर लोग नहीं मान रहे लॉकडाउन को। इसके चलते महाराष्ट्र में इस प्रकार की देखने को मिले, जो नमाज अदा करने के लिए आए मुस्लिम समुदाय को पुलिस के द्वारा बड़ी एक्शन कार्रवाई भी की गई, जिसके चलते वहां से जल्द लोगों को खाली किया गया और जो लोग नहीं मान रहे थे और पुलिस के सामने हो रहे थे उन्हें भी हिदायत देकर एक बार छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर अगली बार ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है तो उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार बड़ी कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही है उद्धव ठाकरे को लेकर और लगातार बयानबाजी भी कर रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका भी दिया जा सकता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब लगातार सक्रिय भी हो चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य में खबर ये भी सामने आ रही है कि अप्रैल से पहले ही सरकार को गिराने की पूर्ण तैयारियां भी हो चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के 17 से 30 विधायक बताए जा रहे हैं जो कभी भी भाजपा पार्टी के साथ में मिल सकते हैं, और एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस तीनों की महाअखाड़ी की सरकार को तगड़ा झटका भी दिया जा सकता है, जिसको लेकर कई बार बयानबाजी और मतभेद देखने को भी मिल चुके हैं। और अभी हाल ही में ये कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी सचिन पायलट की बगावत देखने को मिल रही है, और देखना ये होगा कि सचिन पायलट अपने विधायकों के और संबंधित जो विधायक है उनके खेमे के उनके साथ में इस्तीफा देते हैं और भाजपा पार्टी के साथ में जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता ने उन्हें कई बड़े ऑफर भी दिए राज्यसभा के लेकर, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को तगड़ा झटका दिया गया। लेकिन कमलनाथ का कहना है और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के साथ में विश्वासघात किया गया है, अगर वो पार्टी के साथ में रहते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी एक्शन और समय समय पर अगर ध्यान देते तो मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति नहीं बनती, जिसके चलते सोनिया गांधी ने सीएम कमलनाथ को भी लताड़ा और फूट की बात भी कही कि अगर आप उस पर पूरी तरह से अगर ध्यान दे पाते ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और दिग्विजय सिंह की राजनीति को लेकर अगर आप आगे बढ़ाते और राज्यसभा की टिकट दे देते तो फिर इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गुजरात राज्य के अंदर भी 4 MLA के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया कांग्रेस पार्टी को, जो तगड़ा झटका होगा, जिसके बाद में राज्यसभा के चुनाव अभी 26 तारीख को होने वाले थे यानी आज होने वाले थे लेकिन उन्हें सरकार के द्वारा स्थगित कर दिए गए। अब दिग्विजय सिंह की भी चिंता बढ़ने लग चुकी है, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर जाने वाले थे लेकिन अब भाजपा पार्टी की पूरी तरह से समय बच चुका है, जो बड़ी एक्शन लेने की नज़र में आ सकती है दिग्विजय सिंह को लेकर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही भाजपा पार्टी के पाले में आने के बाद वो राज्यसभा के अंदर सीट मिल चुकी है और राज्यसभा चुनाव के अंदर भी जा पहुंची। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की और चिंताएं बढ़ चुकी है, क्योंकि कमलनाथ की एक और कुर्सी भी चली गई और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का मंत्री पद भी छीना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश और शाहीन बाग के अंदर भी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी रिपोर्ट थी हमारे सूर्य तरातरा जो महाराष्ट्र राज्य से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे। वहीं हमारे चैनल पर चल रहे कॉन्टेस्ट के जरिए 500 रुपये के विजेता रामाराम जी प्रजापत हुए, जिन्होंने सही कमेंट महाराष्ट्र के अंदर करके उन्होंने बड़ा तगड़ा झटका भी दिया कि
अभी महाराष्ट्र राज्य के अंदर उद्धव ठाकरे की महाअकाली की सरकार को गिराकर फिर से भाजपा की सरकार भी बनाई जा रही है। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और चैनल को सबसे ज्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।